हे गाइस, दिस इज शिवा। तो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए एक नई यूजफुल डेली यूज वर्ड्स की वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो इस सीरीज की पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में भी हम जानेंगे कुछ यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें हम अक्सर हमारे डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। इस वीडियो में हम इन वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी जानेंगे, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस, पहला वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। जो लोग बिल्कुल भी बात नहीं मानते उन्हें हम जिद्दी यानी इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल से समझते हैं। तुम बहुत जिद्दी हो। यू आर सो स्टबर्न। यू आर सो स्टबर्न। वो इतना जिद्दी क्यों है? वाई इज ही सो स्टबर्न। Why is he so stubborn? अगला वर्ड है timid। timid, इसका हिंदी में मतलब होता है डरपोक। जो लोग बहुत डरते रहते हैं उन्हें हम इंग्लिश में timid कहते हैं। मैं थोड़ा डरपोक हूँ। I'm a little timid। I'm a little timid। अगला वर्ड है brave। brave, इसका हिंदी में अर्थ होता है बहादुर। जो लोग बहादुर होते हैं उन्हें हम brave कहते हैं। एग्जाम्पल्स, तुम एक बहादुर लड़की हो। यू आर अ ब्रेव गर्ल। यू आर अ ब्रेव गर्ल। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। आई एम नॉट ब्रेव लाइक यू। आई एम नॉट ब्रेव लाइक यू। अगला वर्ड है रिग्रेट। इसका मतलब होता है पछताना या अफसोस करना। जब आप किसी काम पर पछताते हो या अफसोस करते हो तो उसे आप इंग्लिश में रिग्रेट कहोगे। चलिए इसके दो एग्जांपल्स बताता हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स। आई हैव नो रिग्रेट्स। तुम एक दिन पछताओगे। यू विल रिग्रेट वन डे। यू विल रिग्रेट वन डे। अगला वर्ड है रेफ्यूज। रेफ्यूज, रेफ्यूज का हिंदी में मतलब होता है इनकार। उसने इनकार कर दिया। शी रेफ्यूज। शी रेफ्यूज। उसने मुझे अपना नंबर देने से इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज मी टू गिव हर नंबर। शी रिफ्यूज मी टू गिव हर नंबर। अगला वर्ड है स्नैच। स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना यानी जबरदस्ती किसी वस्तु को छीनने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्नैच। एग्जाम्पल्स, उसने मेरा पर्स छीन लिया। ही स्नैच माई पर्स। ही स्नैच माई पर्स। उसने मेरी सोने की चेन छीन ली। ही स्नैच्ड माई गोल्ड चेन। ही स्नैच्ड माई गोल्ड चेन। अगला वर्ड है अगली। अगली मतलब बदसूरत। तुम बहुत बदसूरत हो। यू आर सो अगली। यू आर सो अगली। यह बदसूरत है। इट इज अगली। इट इज अगली। अगला वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना या सहन करना। एग्जाम्पल्स, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आई कुड नॉट टॉलरेट इट। आई कुड नॉट टॉलरेट इट। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैंट टॉलरेट इट। आई कैंट टॉलरेट इट। अगला वर्ड है स्टेयर। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। जब कोई आंखें गड़ाकर देखता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर। स्टेयर। मुझे घूरना बंद करो। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। वो मुझे घूर रहा है। ही इज स्टेयरिंग एट मी। ही इज स्टेयरिंग एट मी। अगला वर्ड है स्लैप। स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़। उसने उसे थप्पड़ मारा। शी स्लैप्ड हिम। शी स्लैप्ड हिम। तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? वाई डिड यू स्लैप हिम। वाई डिड यू स्लैप हिम। तो ये थी गाइस आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। और गाइस, अगर आप मेरे और भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल को भी क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना कर सके।
और गैस अगर आप भी कुछ यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में नीचे बताइएगा। तो गैस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह से इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गैस, बाय बाय।